झाबुआ विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव रोचक होता है, जहां कमलनाथ सरकार ने सीट जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं विपक्ष पार्टी के नेता गांव-गांव घूमकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल्याणपुरा में एक जनसभा के दौरान कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को एक कहानी सुनाई। कहानी के माध्यम से शिवराज सिंह ने बताया कि कैसे भोले भाले लोग कांग्रेसियों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने पक्षियों और शिकारी का उदाहरण देकर कहा कि भोले भाले पक्षी जाल में फंसकर भी यही कहते रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, किंतु हम जाल में नहीं फंसेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कांतिलाल भूरिया आएगा, साड़ी कंबल पैसा लाएगा, लेकिन आप उसके जाल में मत फंसना। शिवराज सिंह ने कहा कि अब कांतिलाल भूरिया को कहो कि अब आप जाओ और नए भूरिया को विधायक बनाकर विधानसभा भेजो। इस दौरान उनके साथ प्रदेश स्तर के कई नेता मौजूद थे। पूरे मध्यप्रदेश को लूट लिया, बोलो ऐसी लुटेरी सरकार को वोट दोगे क्या? जोर से बताओ, वोट दोगे क्या? और फिर कांतिलाल जी, मैं आज पूछना चाहता हूँ, 40 साल से विधायक, सांसद, राज्य में मंत्री, केंद्र में मंत्री, बताओ यहाँ के विकास के लिए कुछ किया है क्या कांतिलाल ने? जोर से बताओ, किया है क्या? और जब कांतिलाल से भाजपा की सरकार थी, कल्याणपुरा में मॉडल स्कूल, कन्या हाई स्कूल, कन्या छात्रावास कल्याणपुरा टेकरी में, स्टेडियम एक नहीं अनेकों विकास के काम, भवन निर्माण हाई स्कूल का, कन्या छात्र एक मिनट, भगोर में कई तरह काम किए। कमलनाथ आएगा, कांतिलाल आएगा, साड़ी लाएगा, कंबल बांटेगा, पायल लाएगा, पैसे बांटेगा, बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बताओ, सब फंसोगे तो नहीं? कल्याणपुर आवाज नहीं फंसते हैं, बड़े चतुर है, और इसमें मुझे पूरा विश्वास है, इस बार कल्याणपुरा में इस झूठी सरकार को जवाब देने के लिए कमल के फूल के इतनी बटन दबेंगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये भागी भूलिया नौजवान है, युवा है, इसके मन में लगन है, तड़प है, कुछ कर गुजरने का जोश है। एक भूलिया कब तक चलेगा? इस बार इस धोखेबाज भूलिया से कह दो तुम जाओ और नए भानु भूलिया को आप विधायक बना के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये भानु अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, नरेंद्र मोदी खड़े, शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, हम यहाँ की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो आप सबसे अपील करता हूँ कल्याणपुरा वालों, आप सबका आशीर्वाद प्यार भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, भानु भूरिया को दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, भानु को विधायक बनाइए। और हाहाकार मची है, ये सब चीजें इस चुनाव में मुद्दा है। परिवारवाद भी कोई मुद्दा है, परिवारवाद? अरे एक के अलावा दूसरा मिले ही नहीं रहा, विक्रांत भूरिया और कांतिलाल, तीसरा कोई है ही नहीं कांग्रेस में। और इसलिए केवल एक ही परिवार, कभी बाप कभी बेटा फिर बाप, बाकी सबने कांग्रेसियों ने पाप किया है क्या? और किसी को मौका क्यों नहीं? क्या केवल 40 साल से एक ही कांतिलाल? क्या क्या लगता है मैग्निफिसेंट एमपी को लेकर काफी ये कहा जा रहा है कि हम दिखावा नहीं करेंगे? शाम को बात करेंगे उसमें, अभी चुनाव के मुद्दे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।